तो फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद की गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, हर रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जगह जगह पर जो निगरानी है उसे बढ़ा दिया गया है। ड्रोन से भी आंदोलन किसानों पर नजर रख रही है जो पुलिस प्रशासन है वो। और देखिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, चाहे सिंघू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो। किसान नेताओं का ये कहना है कि वो लाठी और गोली खाने को तैयार हैं। उनका दावा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। तो आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और आप देखिए चार तस्वीरें, बैरिकेडिंग के बाद जो ट्रैफिक का हाल है वो कैसा है। और आपको ये तस्वीर एक बार फिर से जहन में उतर आई होगी इससे पहले जब किसानों ने दिल्ली कूच किया था और कितने लगभग 3 से 4 मेन रास्ते थे जो पूरी तरह से बंद हो गए थे। वहां पर महीनों तक आवाजाही नहीं हुई थी और फिर इसी तरह से दिल्ली वासियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, खासतौर से दिल्ली NCR के लोगों को। दिल्ली टू नोएडा जो रूट था वो भी इससे बाधित हुआ था। लेकिन ये जो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं आज की, आज कूच का ऐलान है किसानों का, लेकिन उससे पहले क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और यही कारण है कि जो आने जाने वाले वाहन हैं उनकी चेकिंग हो रही है, तो ये जैम की दिक्कत। दिल्ली की ओर आना शुरू हो गए हैं किसान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों का दिल्ली आना शुरू हो गया है। शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हालांकि हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं प्रशासन की ओर से। आपको याद होगा पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था, यानी दिल्ली कूच किया था किसानों ने, तो गाजीपुर बॉर्डर और इसी के साथ कई ऐसे एरिया थे आसपास के, जब पंजाब हरियाणा बॉर्डर की बात आप करते हैं तो यहाँ पर भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। और जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि कूच की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली के लिए किसानों के, अब इसी के मद्देनजर कि किसानों ने साफ तौर पर ही कह दिया है कि हम किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव होने नहीं देंगे अपनी ओर से, हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, अगर हमें रोका जाएगा तो हम हाथ जोड़कर उनसे विनती भी करेंगे कि हमें जाने दिया जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्रैक्टर आगे की ओर बढ़ते हुए। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन किसानों का भी यह कहना है कि कुछ भी हो जाए, जिन मांगों को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली कूच के लिए, वो आंदोलन होकर रहेगा।